हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। तो भाई आज है अपना एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर चुका हूँ। आज मैं आ गया हूँ अपना लोटस टेम्पल, और ये दिल्ली की जो सीरीज है अपना दिल्ली दर्शन की, तो भाई इसका पहला पार्ट है। ऐसे ही आपको और पार्ट आने वाले हैं इस ब्लॉग के अंदर। तो सबसे पहले आज हम आए हैं यहाँ पर अपना लोटस टेम्पल। तो भाई मेरे पीछे है लोटस टेम्पल, आप देख सकते हैं, और आज इसी का कम्प्लीट रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर आकर कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग। और तो गाइस देख लो, सामने है मेरे कमल मंदिर। तो भाई लोटस टेम्पल कहते हैं इसको अंग्रेजी में और हिंदी में कमल मंदिर। तो भाई ये मंदिर है, सामने देख रहे हो कितना प्यारा मंदिर है। भाई आज इसी का पूरा ओवरऑल वॉक अराउंड होगा। तो सामने मेरे कमल मंदिर, और ये साइड में देख लो, ये है पूरा ग्रीनरी एरिया, जिसको आप कारपेट एरिया बोल सकते हो, पूरा ग्रीन है। और यहाँ पर आप आराम से ईजिली अपना बैठ सकते हैं, पिकनिक वगैरह इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पर। और अंदर की तरफ का आपको दिखा दूँ कितना बढ़िया तरीके से इसको कंस्ट्रक्शन किया है, कितने बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। तो जिस जिसने इसको देखा है प्लीज़ कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगता है मंदिर। तो भाई देख लो, ये है कमल मंदिर का बाहर का आउटर का एरिया। तो आउटर एरिया पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ से। तो भाई इसको कमल मंदिर इसलिए बोलते हो कि इसकी जो पंखड़ियाँ जैसी आकृति है ना, तो जो इसकी आकृति है ना वो कमल के फूल की तरह है, इसलिए इसका कमल मंदिर लोटस टेम्पल बोलते हैं। तो ये इसका बाहर का कंपाउंड है, बाहर का एरिया, आउटर एरिया। और यहाँ देख लो आप ग्रीनरी कितनी सारी है, तरह तरीके के फूल लगाए गए हैं, और इसको काफ़ी सुंदर बनाया गया है। भाई ब्यूटी तो है, तो दिल्ली के अंदर है ये। अगर आप दिल्ली में आना चाहते हैं, इसको विजिट करना चाहते हैं, तो आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा कालका जी मेट्रो स्टेशन से आकर के आप इजीली यहाँ विजिट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर जैसे कि आप अपने गाड़ी वगैरह लेके आ रहे हैं, तो कालका जी मंदिर के MCD पार्किंग में आकर के आप इसको MCD पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा के ईजिली इसको विजिट कर सकते हैं। तो भाई काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर मंदिर है। अंदर चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर और हैं। अभी तो मैंने बाहर का आउटर एरिया आपको दिखा दिया है। और भाई ये कमल मंदिर, इसका नाम है भाई उपासना मंदिर भी बोलते हैं इसको, भाई उपासना मंदिर के नाम से जाना जाता है। और सोमवार के दिन ये बंद रहता है, तो भाई सोमवार के दिन प्लीज़ यहाँ विजिट ना करें आप अपने, यहाँ पर मंगलवार से मंगलवार टू संडे आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, और सोमवार के दिन ना आए, सोमवार को ये मंदिर बंद रहता है। सो भाई वीकेंड की वजह से देख लो कितना ज़्यादा रश है चारों तरफ, मतलब बहुत पब्लिक है। और अगर आप वीकडेज में आते हो तो इतना रश नहीं मिलेगा, नॉर्मल पब्लिक आपको मिलेगी, और वीकेंड्स पर ज़्यादा पब्लिक आपको मिलती है। तो चलते हैं भाई अंदर, देखते हैं अंदर क्या क्या आपको इसमें मिलता है। तो अगर व्लॉग में बने हो तो व्लॉग में लास्ट तक बने रहो, और भाई कमेंट करके बताना आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो भाई ये झील देखो आप, कितना सुंदर झील है, और इसका पानी जो है काफ़ी ग्रीन ग्रीन पानी है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो कमल मंदिर की तरह इसको शेप देने की कोशिश की गई है, जैसे झील के अंदर एक कमल खिलता है ना, तो चारों तरफ झील बना दी गई है, और ऊपर एक मंदिर की शेप है, तो थोड़ी कमल की शेप है, तो इसलिए लगता है जैसे झील में कमल खिलता है ना, उसी तरीके का इसको बनाने की कोशिश की गई है। तो अंदर देख लो भाई, कॉइन्स वगैरह भी डाल रहे हैं। तो ये कॉइन्स का भाई क्या सिस्टम है अपने को नहीं पता, अगर आपको पता है तो भाई प्लीज़ कमेंट करके बताना मेरे को। तो गाइस यहाँ पे ना फाउंटेन्स हैं, ये देख रहे हो आप, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये सारे फाउंटेन्स हैं चारों तरफ से। जब ये चलते होंगे ना तो बहुत ही प्यारा व्यू आता होगा ये, शायद आई थिंक रात में चलते हैं नहीं चलते हैं वो मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ, और अगर आपको पता तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर ये झरने कब चलते हैं। अगर आप अंदर जाते हैं, एंट्री लेंगे, मेन एंट्री, तो उसके लिए आपको है ना यहाँ पर सबको हाथ में देखो एक थैला दिखाई दे रहा होगा, आपको कैरी बैग दिख रहा है आपको, ये थैला आपको यहीं से मिलता है, इसमें आप अपना जूते वगैरह रखने होते हैं, क्योंकि अंदर है ना, मतलब जो जूतों में अपना देख रहे हो, जूते के अंदर जो अपना वो मट्टी होती है ना, वो सब ना हो, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा है भाई, मट्टी वगैरह ना लगे, तो उसके लिए हमने भी जूते रख लिए हैं। और ये एक अनाउंसमेंट हो रही है, बंदा कह रहा गार्ड के ना जूते चप्पल इसी में रख के चले, तो भाई अब लाइन में लगते हैं हम भी, और देखो अपने जूते चप्पल हमने भी इसमें रख लिए, तो अब चल रहे हैं भाई लाइन में।
तो गाइस देख लो कितनी भीड़ लगी हुई है, और ये जो भीड़ है ना ये वीकेंड की भीड़ है। अगर आप वीकडेज में आओगे ना तो इतना रस नहीं मिलेगा आपको, और वीकेंड में तो भाई आप ना यहाँ पे आना अवॉइड ही करें, क्योंकि भाई मैं गलती से फंस गया हूँ, आज संडे है और संडे वाले दिन मैं फंस गया हूँ। भाई भी अपने साथ में, क्या लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है भंडारे की लाइन लगी हुई है, इतना तगड़ा वाले हाल है, बहुत बड़ा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे आपको कोई टिकट नहीं लगता, फ्री एंट्री है, इसलिए थोड़ा सा लगता है, क्योंकि टिकट नहीं है ना तो इसलिए थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है। तो गाइस इसे कहते हैं जाम खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। अब देखो भाई हम वहाँ पीछे खड़े थे भीड़ में, तो हम यहाँ खड़े हो गए तो मेरे आगे से लाइन शुरू हो गई। तो भाई मैं भी अमिताभ बच्चन हूँ, जहाँ हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो गाइस चल रहे हैं हम आगे, और देखते हैं क्या पता जल्दी नंबर आ जाए। VIP एंट्री तो हो गई है भाई, एक नई लाइन बनवा दी तुम्हारे भाई ने, क्योंकि भाई जहाँ मैं खड़ा था ना वहीं से एग्जैक्ट नई लाइन बनी है। और ये देखो नई लाइन और ये पुराने वाली लाइन है, भाई व्यू चेक करो आप। सो गाइस ये है इसकी मेन एंट्री, अब यहाँ से हम एंटर करेंगे, और ये इसका ऊपर प्रॉपर व्यू देख लो प्रॉपर, और इधर का व्यू है इधर का, और शायद अंदर मैन थिंग मना कर रहे हैं फोटोग्राफी करने के लिए, तो देखते हैं क्या बोलते हैं। और अंदर का चेक कराता हूँ मैं आपको व्यू, ये देख लो। तो अंदर क्या है ना, कहते हैं कि थोड़ा चिल्लाना मना है, और थोड़ा वॉइस ज़्यादा नहीं कर सकते आप यहाँ पे, तो उस चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, वो सब चीज़ें के लिए मना किया गया है। तो भाई चल रहे हैं आगे, और अभी लाइन में चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया है, और कम से कम आधा घंटा हो गया हम लोगों को। तो भाई मैं तो कहूँगा वीकेंड पे ना यहाँ पे आना अवॉइड ही करें, और वीकडेज पे आएँ तो वीकडेज में आपको इतना रस नहीं मिलेगा, और यूजली आप अपना घूम सकते हैं। ये देखो भाई क्या व्यू आ रहा है, जबरदस्त व्यू है, ओवरऑल चारों तरफ से ना एकदम ग्रीन हो रखा है, और अच्छा लग रहा है। तो भाई मैनेजमेंट तो काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी लोग यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो भाई इसका जो इतिहास है ना वो ये है, 1980 में इसको बनाया गया था, और ये कमल के फूल की तरह लगता है, तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है तो इसलिए इसको कमल मंदिर बोला जाता है भाई। तो भाई ये है देखो मेन एंट्री, अब यहाँ से हम एंटर करेंगे, मेन एंट्रेंस पे आ गए हैं। ये देखो जो सामने दिख रहा है ये मेन एंट्री है, यहीं से एंटर होंगे अंदर। सो गाइस ये कंस्ट्रक्शन चेक करो, देख रहे हो आप कितना प्यारा कंस्ट्रक्शन है, और किस चीज़ से बनाया गया है भाई, कंक्रीट वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, अच्छा लग रहा है यार। सो गाइस अंदर देखो क्या कैमरा अलाउड नहीं है, तो फिर भी मैंने आपके लिए रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ। देखो सामने जो चेयर लगी हुई है, यहाँ बैठकर आप अपने भाई धर्म की उपासना कर सकते हैं, बैठ के अपना ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। ये चेयर वगैरह लगे हैं ऊपर, देखो आप किस तरीके का झूमर लगा रखा है, बड़ा अच्छा कंस्ट्रक्शन लग रहा है भाई देखने में तो। और देखा जाए तो नीचे की तरफ भी काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ पे कम से कम 1800 लोग एक साथ बैठ करके अपना, शायद 1300 या 1800 आई थिंक, बैठ के एक साथ अपना यहाँ पे उपासना कर सकते हैं, भगवान की आराधना कर सकते हैं, और अपना मन शांति के लिए आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, अपने मन की शांति के लिए आराम से अपना बैठ के भगवान का नाम ले सकते हैं, और अपना जो मन है उसको शांत कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और देख लीजिए कितना अच्छा कंस्ट्रक्शन है, ये बाह्य धर्मों द्वारा बनाया गया कमल का मंदिर है। इसमें ना 9 पंखड़ियाँ हैं, आपको 9 पंखड़ियाँ मिलेंगी, और 9 जो है इनका काफ़ी अच्छा मतलब माना जाता है कि धर्म में 9 नंबर जो है काफ़ी शुभ है, तो उस वजह से इसको 9 पंखड़ियों के नाम से जाना जाता है भाई। तो चारों तरफ इसके 9 पंखड़ियाँ हैं कमल की आकार की, तो इसलिए इसको कमल मंदिर बोलते हैं। चेयर देखो कितनी अच्छी लगाई गई हैं, आराम से बैठ के आप अपना पीसफुल मन को शांत कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन है। तो भाई ये अंदर का है इसका कंस्ट्रक्शन, देख लीजिए आप किस तरीके का अंदर से लगता है कमल मंदिर। तो अब भाई ये पूरा है, अब चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या है बाहर की तरफ का एरिया, बाहर आ जाते हैं भाई। सो गाइस ये इसकी मेन एग्जिट, तो अब हम एग्जिट कर चुके हैं यहाँ से बाहर। तो भाई अंदर की तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे अंदर अलाउड नहीं था बोलना, तो मैंने जितना रिकॉर्ड हो सका है उतना रिकॉर्ड आपके लिए किया है, और जितना ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो सकती थी मैंने आपके लिए करके दी है। तो भाई ये अंदर से ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, और अंदर बैठ के आप ना थोड़ा सा शांति वाला फील कर सकते हैं, जैसे होता है ना पीस वाली फीलिंग आती है आपको शांति की,
तो वो चीज़ है अंदर, तो वो चीज़ मैंने आपको दिखा दी। आप जैसे बैठ के कोई प्रे करना चाहते हैं, किसी के लिए अपना शांत मन करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे बैठ के अंदर इजीली चेयर्स पे बैठ के कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने चेयर वगैरह पे देखा था, वहाँ बैठ के आप आराम से इजीली प्रार्थना कर सकते हैं और शांति फील कर सकते हैं। बाहर की तरफ है ना, अपने को ये एक ऐसे पर्ची मिली है जिसमें कि आप अपना इसके बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं कि मंदिर के बारे में क्या क्या ऐसा इतिहास है, क्या इसका मतलब किस तरीके से बना हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये इस तरीके की यहाँ पे पाथ पंपलेट मिल जाता है, ये बाहर की साइड ही मिलता है। तो भाई जैसे कि अंदर बताया कि अंदर बैठना मतलब बैठ सकते हैं, चेयर वगैरह है, बोलना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैंने जितना हो सकता उतना आपके लिए शूट किया था इसको। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो भाई व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो दिखाता हूँ मैं आपको और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे आगे कर सकते हैं। तो ये देख लो भाई, ये इसका बाहर से ऐसा व्यू आता है। तो मेन एग्जिट वहाँ से थी, हमने एग्जिट कर ली, अंदर चेयर वगैरह लगी हुई है जिससे कि आप क्या है बैठ के आराम से इजीली प्रे कर सकते हैं। और शाम ये है मेरा अपना ओवरऑल ब्लॉग। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर आपका ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमल मंदिर का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा, अगर आप यहाँ विजिट कर चुके हैं तो कमेंट करके बताएं। आप हमें विजिट करने वाले हैं तो मेरे ब्लॉग ने आपको कितनी हेल्प करी वो भी मेरे को कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।